अक्स मेडी एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक जो कि सेक्टर 33 बी चंडीगढ़ में स्थित है। क्लिनिक में एंटी एजिंग, स्किन थेरेपीज, हेयर, लेजर, वेट लॉस और कॉस्मेटिक डेंटल सर्विसेज विशेष तौर पर मौजूद हैं। दूर दूर से यहाँ पर पेशेंट पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। स्किन के पेशेंट्स के लिए ये क्लिनिक वरदान साबित हो रही है। पेशा पंजाब प्लस की टीम से इस संबंधी एक रिपोर्ट। दर्शकों हेल्थ प्लस प्रोम तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए एक्स स्किन क्लीनिक एंड डेंटल क्लीनिक दे विच जिहड़ा पिछले लंबे समय तो सेवा दे रहा अपनी चंडीगढ़ विच। डॉक्टर नाल गल करांगे जिहड़े लोगों की जिंदगी दे विच ट्रांसफॉर्मेशन कर दिंदे आ। पहला लोगों का जिहड़ा लिविंग स्टाइल, उन्हां दा देखण दा स्टाइल होर, और उस तो बाद जदों इन्हां दी ट्रीटमेंट हो जांदी उस तो बाद एक नवीं जिंदगी बंदा बनदा। डॉक्टर तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स एन ऑनर। डॉक्टर जिस तरीके दे नाल बंदा जदों सुबह उठदा और वाला तो ला के ते पैर तक अपने देखदा, और तुसी डॉक्टर्स जिहड़े के स्किन दे ट्रीटमेंट्स करदे हो, चाहे वह वाला तो गंजा, चाहे वह मत्थे दे उत्ते झुरड़ियां पैंदियां, चाहे वह मूँह दे उत्ते झुरड़ियां पैंदियां, चाहे वह दंद खराब है, चाहे वह अपने ठुड्डी खराब है, चाहे उन्होंने कोई नीचे तक कोई प्रॉब्लम हैगी, अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ में कोई ब्रेस्ट की कोई होर है, हरेक तरह का तुसी इसे ट्रीटमेंट करके लोगों को नवी ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हो, की कहना चाहोगे? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अक्स मेडी एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है जिथे थोड़ी कहते ना ओवरऑलिंग होती है, सिर तो लैके पैर तक सारी ओवरऑलिंग होती है। मतलब है वह कि थोड़ी हेयर दी इशू है, जिस तरह कि थोड़े फेस का इशू है, थोड़े वेट लॉस का इशू है, यह सारे इशूज टैकल किए जाते हैं, तो नाल ही डेंटल का भी टैकल किया जाता है।
हेयर दे विच असी करने आ, अगर हेयर थिनिंग है तुहाडे वाल कमजोर हो गए हैं ते तुहाडा स्कैल्प दिसण लग गया, तो साढ़े कोल PRP जिन्हों की स्टेम सेल थेरेपी कहिंदे ने, लेजर डायोड ते नाल साढ़े कोल हेयर ट्रांसप्लांट है। अगर असी फिर से कहे साढ़े कोल मेडिकल फेशियल्स ने, वो ए फेशियल्स ने जिहदे विच तुहाडी स्किन दे विच सारे विटामिन्स सारे इनग्रीडियंट्स अंदर चले जाते हैं, तो नाले स्किन दे विच एक ऐसी रीजुविनेशन हो जाती, एक ऐसी ऐसे पदार्थ अंदर चले जाते जिदे नाल कि तुहाडी स्किन बिल्कुल रीजनरेट हो जाती, तो नवी स्किन लगन लग जाती, जिसमें बेबी स्किन कहते जिन्हों। अगर असी वेट के बारे गल करिए, तो वेट वास्ते साढ़े कोल रेडियो फ्रीकुएंसी दैन फैट फ्रीज मशीन है, जिदे नाल कि तुहाडा फैट डिजोल्व भी हो जाता है, तो फैट जरा तुहाडा फ्रीज भी हो सकता है, तो वेट लॉस हो जाता है। अगर असी कही स्माइल डिजाइनिंग या डेंटल वर्ते, तो साढ़े कोल ऐसी कॉस्मेटिक डिजाइनिंग दे ऐसे स्माइल दे साढ़े कोल डेंटल दे डॉक्टर्स ने जड़े कि तुहाडी जड़ी स्माइल डिजाइनिंग प्रॉपर करके तुहानू एक नवी लुक दे देंदे ने। फिर एंटी एजिंग सोल्यूशनस ने जैसा कि बोटॉक्स फिलरस जिदे नाल कि तुहाडे रिंकल्स फाइन लाइनस ये बड़े चंगे तरीके नाल ट्रीट हो जाते हैं। बस अगर आप गल करिए होंट्स की गल करिए बुलों की गल करिए या आप होर अपने कई बार अनवॉन्टेड हेयर्स है होर प्रॉब्लम्स है एक कंप्लीट सेट है स्किन का बारे की कहना चाहूँगा। जैसा कि अनवॉन्टेड हेयर है, यंग बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हेयर बहुत फेस से बॉडी से हो जाते, तो साढ़े को बड़ी अच्छी मशीन ने जैसा कि लेजर IPL भी है डायोड है जिंदा लेजर ये की है साढ़े वॉल अनवॉन्टेड हेयर जो बड़े चंगी तरीके 6 सिटिंग कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। अनलेस किसी कोई हॉर्मोनल इशूज हो जो कि असी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के नाले बाकी डॉक्टर्स जुड़े होंगे हाँ, तो यह प्रॉब्लम्स को टैकल करके असी वाला की प्रॉपर केयर वाला जो है उन्होंने कंप्लीटली रिमूव करने मदद करते हैं। सर तुम खुद जो स्किन के डॉक्टर सानू साडे दर्शकों दसोगे कि तुम किस एज दे हो, हालांकि क्वेश्चन असी तुहानू कर नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके दे नाल तुहाडी स्माइल है की कहना चाहोगे, किन्नी एज है तुहाडी और किवें की तुसी जिहड़ी थेरेपीज आपदे ते यूज करदे हो। एज दे बारे किहा जाए ते तुहानू मैं छुपाण दी कोई गल नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ माई एज। वैसे गैस तुसी करना, आई हैव अ 17 ईयर ओल्ड सन, सो आई गैस मैं ठीक ठाक ही लगती हूँ। 70 years old, my son, yes, and I have a marriage of 21 years, so I guess child marriage तो नहीं हुई है, so I'm good for that. बाकी skin की therapies अगर तुझे कहा जाए तो skin की therapies जैसे अपने वजह से मैं PRP बाकी anti aging solutions ये सारी चीज़ें इसलिए use कर रही हूँ। basically वो चीज़ा जैसा कि botox, fillers, PRP एयर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन ने तुहाडी स्किन के अंदर यह चेंजेस लिया तो तुहाडी एज रिवर्सल या एंटी क्लॉक जिन्होंने कहते एज न रोकते हैं तो डिले करते हैं, तो तुम अपनी एज ना ज़्यादा यंग लगते हो। प्लस आई कंबाइन इट विद योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज, आई एम अ फिट परसन, मैं ये चीज़ों के कॉम्बीनेशन के नाल आई मीन मेडिकल थेरेपीज प्लस योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज के नाल अपने आप को मेनटेन किया है, एंड दैट्स वॉट हाउ एंड हाउ दैट्स हाउ आई एम लुकिंग टूडे। And that is the reason कि तुम्हारे पेशेंट्स आ जाएगा उन्होंने भी उदा योग के मतलब खाने की डायट, क्योंकि एक बार उन्होंने सैट कर देंगे हो पेट उन्होंने जोड़ा है फ्रीज करके मतलब अपन थेरेपीज के नाल उन्होंने करके घटा देंगे हो, लेकिन उस बाद जो सोल्यूशन उन्होंने गाइड कर दो कि तुम अगर गर्मी जाना सूर्य जाना तो सनस्क्रीन सोल्यूशन लाना, अगर पेट के आ चीज़ सुबह ब्रेकफास्ट है पानी की कहना चाहोगे, मतलब एक की कारण है कि जो लोग जुड़े हुए हैं अज वो अगे तो अगे जो है चेन बनती जाती है और फॉरन के खास करके जो भी बाहरों लोग आ रहे हैं तो एक बड़ी लंबी चेन थोड़ी बनती जा रही है, और जो अगली फ्रेंड्स को देखते आप जी है तेरा फेस किमें करता तो फिर वो गलत गलत जी चीज़ पी है। देखो अक्स क्लिनिक अज असी 4 साल हो गए हैं, असी एक छोटे बेबी की तरह इन पालिया है, इस मोस्ट इनोवेटिव स्किन क्लिनिक नॉर्थ इंडिया का मनिया जा रहा है, तो अवॉर्ड मिले है वह एक कारण है, वह यह कारण है कि असी हर चीज़ में तय तक लेके जाने, सिर्फ थेरेपी करके असी उन्हें छड़ नहीं देंगे, उन्हें अगे प्रीकॉशनस की लैनी है, प्रिवेंशन की है, उसका पूरा चीज़ उन्होंने पेशेंट दसिया जाता है कि थेरेपी के बाद अगर उन्होंने सन एक्सपोजर किन्ना कर सकते हैं किन्ने दिन बाद कर सकते हैं, वो पूरा प्रोटोकॉल दसिया जाता है। अगर वेट के पेशेंट्स ने तो उन्होंने कस्टमाइज डाइट प्लस
एक्सरसाइजेस के बारे उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्होंने गाइड किया जाता है तो लिंक दिता जाता है जिदे कि एक्सरसाइजेस वेट मैनेजमेंट अपनी कंटीन्यूएशन कर सकन। सो सिर्फ थेरेपी करना, वेट मैनेज करना, क्लिनिक आके मशीन का काम करना वो उत्थे खत्म नहीं होता। यह सारे पेशेंट साढ़े नाल चार साल तो ऐसे जुड़े हैं क्योंकि यह कंटीन्यूएशन से यह प्रोसैस करते रहे हैं। अज वो अपनी एज में रिवर्स भी कर सके ने, सुंदर भी दिस रहे हैं तो अपने वेट में भी चंगी तरह मैनेज कर रहे हैं। मैडम असी सोचिए कि इन चीज़ों का जोड़ा है साइड इफेक्ट कोई नहीं है और मतलब जोड़ा लोगों के मन एक वहम जहा पाया होंगे कि पता नहीं अगर असी करावे साढ़े मूँह के उत्ते पता नहीं कि नाइफ्स लगन गए कि मूँह की साड़ी प्रॉब्लम्स आऊगी की कहना चाहोगे कि यह बहुत थोड़ी ही चीज़ा जी है मतलब ये नहीं है कि बहुत व्डे वे कट लगन गए या भी होर उन्होंने मतलब जिदा कॉस्मैटिक दे लोग आते पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी होगी सा मूँह बदल जू की कहना। देखो जी एस्थेटिकली कॉस्मैटिकली एक्सपर्ट हैंड्स नाल अगर कुछ चीज़ की जाए तो वो बहुत ही नैचुरल लगती है, किसी को पता नहीं चलता तुसी कुछ करवाया है एंड येट तुहाडे जो फेस से तुहाडी बॉडी से रिजल्ट दिसने ने वो एक एक्सपर्ट हैंड्स से एक एक्सपर्ट डॉक्टर दे नाल अगर तुसी जुड़े हो तो तुहानू रिजल्ट मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स किसी के भी हो सकते हैं बट यस मिनिमम हो जाते हैं अगर कोई ट्रेनड परसन तुहाडे उत्ते काम कर। गल करिए चार साल का एक्सपीरियंस और नई मशीनरी क्योंकि तुसी लेटेस्ट तो लेटेस्ट मशीनरी जिदा बहुत वधिया रिजल्ट हो और उहदे नाल नाल सब तो वड्डी गल हैगी आ आटोक्लेव दी कि तुसी हमेशा अपने जिहड़ी ये चीज़ा ब्यूटी दी चीज़ा होंदियां जिहदे नाल कि लोगों नूं होर अलर्जीज होर प्रॉब्लम्स भी आ सकदियां उहदे ते बड़ा तुसी डीप पहले दिन तों ही ध्यान दिंदे हो। सी असी पहले तो ही बहुत सेफ्टी प्रिकॉशनस अपने मेजर्स लैंदे सी बट ए कोविड के टाइम्स से एक बहुत ही वधिया चीज़ हुई है वो ये हुई है कि इनफैक्ट जो सारे पेशेंट्स जड़े से प्लस दूसरे नॉर्मल लोग भी साढ़े को आ रहे क्योंकि ट्रस्ट लेवल इन्ना बढ़ गया है वो अपने आप में इतनी सेफ महसूस करते हैं बिकॉज हर चीज़ स्टरलाइज है तो कंप्लीटली सेफ्टी मेजर्स के नाल हर चीज़ किए जाते हैं। मास्क तो लैके सैनिटाइजेशन तो लैके स्टाफ के प्रोटोकॉल्स वो असी खुद देखने तो इसलिए अच्छ तुम देख रहे हो सारे पेशेंट सारे ठीक ने तो क्लिनिक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है कोविड के टाइम से भी। दसा तो डेटा बहुत लंबा तो साढ़े चैनल जो चाहेगा कि थोड़े अगे जे डॉक्टर्स आ जोड़े लोगों की स्किन ट्रांसफॉर्म करते हैं और अज देखो जिंदगी हर बंदा सोहना बनना चाहता सोहना लगना चाहता जो स्माइलिंग मिरर के सामने खड़ता जिस तरीके लोगों को गाइड कर रहे हो नवी जिंदगी दे रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो फ्रेंड्स के एक मैंटल लैवल उच्चा चक रहे हो डिप्रैशन घटा रहे हो जो बंदा थोड़ा जहा किसी तरह के नाल अपना फेस वधिया नहीं लगता वो डिप्रैशन जाता लेकिन जो उन्होंने गाइड कर दो अपने ट्रीटमेंट देंगे हो तो एक नवी जिंदगी उन्होंने मिलती है और एक नवा बंदा बन के जिंदा थोड़ा साढ़े गल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी बहुत ही अच्छा लगे गल करके एंड आई थिंक अगर मैं एक भी जिन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में मोटिवेट कर सका तो आई थिंक माई पर्पस इज सॉर्ट। उस बंदे का अगर कोई भी चीज़ चेंज होंगी है मेरे इस इंटरव्यू ते मेरे इस लफ्ज़ा दे दौरान जो इंटरव्यू कर रहे हैं आई थिंक द पर्पस इज सॉर्ट। थैंक यू जी।